नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह, मान्या टेक्स ऑफ LLP टेली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए रिटेल शॉप मॉड्यूल का एक कंप्लीट मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, जो कि पर्टिकुलर हमने मोबाइल शॉप के लिए डिज़ाइन कर रखा है। अगर आप लोग दोस्तों मोबाइल शॉप या रिटेल शॉप में डील करते हैं, आप लोगों की कंपनी या शॉप है, तो आप लोगों की बहुत ही खास मॉड्यूल है कि आप टैली के ही अंदर आप पर्टिकुलर आपके रिक्वायरमेंट जो है सारा फुलफिल हमने कर दिया है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। क्या पर्टिकुलर टैली मोबाइल शॉप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है टैली से बिलिंग करने में या इनवॉइस प्रिंट करने में, पूरा कंप्लीट हमने एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया है। दोस्तों कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से प्रिंट देता है, सारा हम इसमें डिज़ाइन किया है हमने। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, पूरा लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे एंट्री होती है, कैसे इसके प्रिंट दिखते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट थी मोबाइल शॉप की जो हमने इसमें फुलफिल किया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि कोई भी लेटेस्ट आने का वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों टैली मोबाइल मॉड्यूल रिटेल शॉप मॉड्यूल। सबसे पहले दोस्तों यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आ गया मैं, एक अन्यटक्स ऑफ LLP मोबाइल स्टोर नाम से एक मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दी है। यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने पे यहाँ पे F11 में जाके मैंने एड ऑन यहाँ पे अपलोड कर दिया है। एड ऑन अपलोड करने पे यहाँ पे इनेबल एड ऑन फॉर पोस्टिंग एंटर करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे यस कर दिया मैंने, यहाँ पे सेव हो गया। सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे अल्टर में गया मैं, अल्टर में जाने के बाद वाउचर में गया, यहाँ पे सेल में आप जाओगे दोस्तों, सेल में हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कॉन्फिगर ऑटो JV, यहाँ पे इसको यस कर दिया। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैश लेजर, ये ऑटोमेटिक ये कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। हमने क्या कर रखा है, कैश लेजर का कैश में ले रखा है कि जैसे ही आप कैश की पेमेंट आपको पार्टी से मिलेगी एट ए टाइम सेल के टाइम ही ऑटोमेटिक रिसिप्ट आपका चढ़ जाएगा। और यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे बैंक ले लिया, बैंक का क्या है, ICICI बैंक मेरा है, जो भी आपका बैंक हो आप यहाँ पे बैंक चूज कर सकते हो। बैंक की भी एंट्री सेल के टाइम ही एट ए टाइम ही रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे आपकी चढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे फाइनेंस लेजर का एक ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे फाइनेंस किससे करना चाहते हो, कि मोस्टली कंपनी जो मोबाइल्स में डील करती हैं वो किसी ना किसी कंपनी से फाइनेंस कराती हैं, तो यहाँ पे फाइनेंसर का भी नाम यहाँ पे लेजर हमने क्रिएट कर रखा है, बजाज फाइनेंस। आपके और भी फाइनेंसर होंगे तो आप वहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे बजाज फाइनेंसर का हमने यहाँ पे जनरल वाउचर में ले रखा है कि जैसे ही हम फाइनेंस करेंगे एक JV पास कर देगा फाइनेंसर के नेम से। एंटर करने के बाद डिस्काउंट लेजर भी ले रखा है दोस्तों, यहाँ डिस्काउंट अलाउ कर रखा है, डिस्काउंट का भी अगर आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हो तो उसका भी JV ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। यहाँ पे कार्ड लेजर भी ले रखा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करता है वो कस्टमर तो ऑटोमेटिक उसकी रिसिप्ट यहाँ पे चढ़ जाएगी। एंटर करते ही एंटर इसको हम रिसिप्ट करके सेव कर लेंगे दोस्तों। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गया मैं, यहाँ पे वाउचर आ गया और यहाँ पे सेल में आ जाएंगे हम, यहाँ पे F8 कर दिया, यहाँ पे सेल वाउचर एंटर करने का। सपोज मैंने एक ले लेता हूँ एक कंपनी 24999office.com, ये करके एक पार्टी है। अब इसको मुझे बिल करना है, कंट्रोल A किया, यहाँ पे सेव कर लिया इसके एड्रेस, यहाँ पे ले लिया सपोज करिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ले लिया मोबाइल, यहाँ ले लिया ओप्पो 3S मोबाइल। यहाँ पे मोबाइल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 1 ले लिया, 10,000 का अमाउंट ले लिया, डेट सेलेक्ट कर देता हूँ आज की, UDAY टुडे, आज 20 जुलाई की, एंटर। आउटपुट GST लगा देता हूँ, IGST लग गया दोस्तों, ये टोटल अमाउंट हो गया 11,800। एंटर करेंगे, एंटर करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आ गया रिसीव्ड डिटेल यस, यहाँ पे यस कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये टोटल अमाउंट है हमारा 11,800। अब 11,800 आपको कैसे दे रहा है कस्टमर, कैश दे रहा है, बैंक दे रहा है, या डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। अगर मैं यहाँ पे 11,800 अगर ये 5,000 सपोज ये कस्टमर ने कैश दे दिया दोस्तों, और 5,000 हमें दे दिया इसने बैंक में, और बाकी आपका 1,800 रुपये यहाँ पे देखिए बैंक में देते ही, जैसे यहाँ पे बैंक नेम हो रहा है, जैसे मैंने लिख दिया HDFC, चेक नंबर या कुछ दे रहा है, रेफरेंस नंबर या ट्रांसफ़र कर रहा है, NEFT लिख दिया मैंने, डेट आज की डाल दो 20, यहाँ पे डेट आज की डालेंगे 27 जुलाई हो गया। डिस्काउंट आपको देना है नहीं देना है, तो आप डिस्काउंट अगर देना चाहते हो तो 100 रुपीज़ मैंने कर दिया, अब आपके टोटल बच गए 1700 रुपये। 1700 रुपये अगर उसने डेबिट कार्ड से किया तो डेबिट कार्ड भी डाल सकते हो। एंटर यस करते ही दोस्तों यहाँ पे प्रिंट के लिए पूछ रहा है, अगर आपको प्रिंट देना है इनवॉइस का प्रिंट दे सकते हो,
और स्केप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपकी यहाँ पे एंट्री सारी कर दी। अब मैं मुझे एंट्री चेक करना है तो आप देखिए 5000 की रिसिप्ट की एंट्री चढ़ गई है यहाँ पे कैश की, 5000 कस्टमर ने कैश दिया है हमें। इनवाइस नंबर अगेंस्ट सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे नरेशन भी आ गए और यहाँ पे 5000 इसने बैंक में डाल दिया। यहाँ पे देखिए बैंक के अमाउंट है, यहाँ पे पार्टी नेम है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री नहीं करनी आपको। और यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया इसलिए जेवी पास हो गया, डिस्काउंट अलाउ में चला गया। और यहाँ पे सेल का बिल 11800 का क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद अब मैं जो अगर इसका इनवाइस देखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रीव्यू जो हमने डिज़ाइन कर रखा है कस्टमर के लिए, कस्टमर ने यहाँ पे देखिए आपको कस्टमर के इनवाइस पे आपको प्रिंट हो गया, पेड बाई कैश 5000 दिया है, बैंक अमाउंट 5000 दिया है, डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को 100 रुपये और कार्ड क्या है 1700 रुपये कार्ड से दिया है पेमेंट। इस तरीके से दोस्तों उसको इनवाइस पे भी ये प्रिंट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये कस्टमर के लिए यही डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। पर्टिकुलर 90% जो मोबाइल की शॉप है, रिटेल शॉप है, उनके लिए यही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आपको मैं एक एंट्री करता हूँ फाइनेंस करके दोस्तों। यहाँ पे वाउचर में गया मैं दोस्तों, सपोज किया ये ले लिया क्रिएटिव कंट्रोल ए, यहाँ पे ले लिया अदर सेल, यहाँ पे ले लिया मोबाइल, एंटर, यहाँ पे दो क्वांटिटी ले लिया 50,000 के, एंटर, आउटपुट IGST, अब यहाँ पे यस कर दे दिया। अब ये कस्टमर को हमें फाइनेंस करने हैं दोस्तों, यहाँ पे कैश में हमने कुछ नहीं किया, ICICI बैंक में नहीं किया, क्योंकि कस्टमर ने हमें फाइनेंस के लिए बोला है। तो हमने यहाँ पे 23,600 के फाइनेंस कर दिए। फाइनेंस डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, आप डेट डाल सकते हो, मैं यहाँ पे 20/7 डाल देता हूँ आज के, एंटर 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 करते ही स्केप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्केप डे बुक में गया दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए 23,600 का बिल क्रिएट हो गया है और 23,600 के जेबी पास हो गया फाइनेंसर के नाम से, बजाज फाइनेंस के नाम से 23। अब मुझे बजाज फाइनेंस से ये अमाउंट लेने हैं, हमने कस्टमर को उसको फाइनेंस कर दिया। अब कस्टमर का अमाउंट आप देखोगे, अगर कस्टमर की इनवाइस पे यहाँ पे प्रीव्यू देख लिया, ऑल जेट किया, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कैश में 0, बैंक से पेमेंट नहीं किया, डिस्काउंट भी नहीं दिया, उसको फाइनेंस किया है 23,600 का, फाइनेंसर का नेम है बजाज फाइनेंस। इस तरीके से आपके फाइनेंसर के नेम चेंज होंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा। अगर कोई भी बजाज फाइनेंसर आपके पास मल्टीपल है तो मल्टीपल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यस किया मैंने, यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अलावा आपके अगर कोई फाइनेंसर है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों मोबाइल शॉप की, आप अगर आपकी रिटेल शॉप है, आपकी मोबाइल शॉप है, तो आप इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो कम्प्लीटली। अगर आप लोगों के लिए कोई मोबाइल शॉप है और भी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो वो भी डिज़ाइन करके हम कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये मॉड्यूल अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर आपको बाय करना है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको ट्रायल चाहिए तो वो मैं ट्रायल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इसके अंदर मैं उसको डिज़ाइन कर दूंगा, और बाय करना है तो आप दिए हुए नंबर पर बाय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।